हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू फायरबोल्ट की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच एपिक प्लस। और जैसा आप जानते हैं, फायरबोल्ट एपिक ने मार्केट में काफी टाइम तक बजट कैटेगरी में रूल किया है और अब फायरबोल्ट ने कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कर दिया है। फायरबोल्ट एपिक प्लस को इन्होंने लॉन्च किया 1199 रुपीज के प्राइस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर एंड में इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना हो। और देखेंगे कि क्या 1200 रुपीज के कम प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे ले आते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, मैं ऐसे इन सभी प्रोडक्ट्स की वीडियो जल्दी अपने चैनल पे लाने वाला हूं, और इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स का गिव अवे भी होने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें बॉक्स के ओवरव्यू की, तो जैसा आप देख सकते हैं, स्मार्ट वॉच की सबसे बड़ी खासियत है इसका 1.83 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि शायद ही अंडर 1500 की किसी स्मार्ट वॉच में आज की डेट में आपको मिलता हो। 120+ स्पोर्ट्स मोड, SPO2 मॉनिटर, और जैसा आप साइड में देख सकते हैं, हार्ट रेट, IP68 वाटर रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ इधर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दिख जाती है। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, काफी शानदार पैकिंग में यहाँ पे आ गई हमारी फायरबोल्ट की एपिक प्लस। इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या बॉक्स के कंटेंट्स हैं। तो उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वही फायरबोल्ट का टिपिकल पेपर वर्क और मेंबरशिप्स मिल जाती हैं, और साथ ही साथ एंड में आपको मिल जाता है इसका मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। बहुत ही ज्यादा स्लीक स्मार्ट वॉच है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके स्ट्रैप्स भी काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल के हैं। ज्यादातर ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग करते हैं बेकार स्ट्रैप्स लगा के, लेकिन फायरबोल्ट ने इस चीज का ध्यान रखा है और आप इजिली इसको रात को पहन के सो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हद तक एज टू एज लग रहा है। और राइट साइड में आपको बिल्कुल मेटालिक फिनिश मिल जाती है, और बैक साइड में भी आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है फायरबोल्ट ने। उधर आपको इसकी ब्रांडिंग, हेल्थ सेंसर और साथ ही साथ मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट भी दिख जाएगा। और जैसा आप देख सकते हैं, रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है, तो आप अपने स्टाइल के हिसाब से इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। और मुझे सबसे इंप्रेसिव बात ये लगी कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी के होने के बावजूद भी फायरबोल्ट ने इसको काफी स्लीक और लाइट वेट रखा है। तो अब जल्दी से दोस्तों इसको बूट करते और देखते हैं कैसी है इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच बूट हो चुकी है और कोहली भैया भी आ चुके हैं। तो अब जल्दी से इसको सेटअप करते हैं और मैं आपको डिटेल में फिर इसका वॉच यूआई दिखा दूंगा। दोस्तों, वॉच को सेटअप करने के लिए आपको अपने फोन में दाफिट ऐप को डाउनलोड करना और ब्लूटूथ लोकेशन ऑन करके आपको यहाँ पे शो हो जाएगी फायरबोल्ट 045, जिससे आप विद इन सेकंड्स क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गई हमारी अमेजिंग डिस्प्ले वाली फायरबोल्ट एपिक प्लस। और कहीं से भी दोस्तों 1200 से कम प्राइस वाली स्मार्ट वॉच नहीं लग रही है। इतनी बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच इतने अमेजिंग डिस्प्ले के साथ में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। और अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की भी, तो मैंने भी इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम की और मैक्सिमम ब्राइटनेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आउटडोर्स में। और अगर बात करें पिक्सल रेजोल्यूशन की भी, तो भी 240x280 का पिक्सल रेजोल्यूशन इसमें आपको मिल जाता है, जो काफी क्लियर डिस्प्ले यहाँ पे दे रहा है। तो डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा इंप्रेसिव स्मार्ट वॉच है। अब अगर बात करें वॉच वाई की, तो आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं इस पर लॉन्ग प्रेस करके। यहाँ पे आपको काफी सारे वॉच फेसेस की ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन मैं जनरली ऐसे वॉच फेसेस प्रेफर करता हूं जिसमें आपके बेजल्स बिल्कुल मिनिमम दिखे। और अभी अगर बात करें नीचे स्वाइप करते क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको बेसिक शॉर्टकट्स, वेदर और सेटिंग्स की ऑप्शन दिख जाएगी। उसके बाद ऊपर स्वाइप करते यहाँ पे आपको बेसिक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। राइट स्वाइप करते यहाँ पे आप डायरेक्टली मेन्यू पे जा सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और लेफ्ट स्वाइप करती सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेप्स कैलकुलेटर, स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, एक्सरसाइज मोड जिसमें आपको 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ बीपी मॉनिटर भी दिया है फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच में, जो कि स्मार्ट वॉच को काफी ज्यादा फीचर पैक बनाता है। तो यहाँ पे आपको SPO2 मॉनिटर, वेदर अपडेट और साथ ही साथ कैमरा शटर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद म्यूजिक प्लेयर। अब अगर बात करें मेन्यू की, तो जैसे ही मैं राइट स्वाइप करता हूं, यहाँ पे हमारा लिस्ट मेन्यू आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेप्स कैलकुलेटर और स्लीप मॉनिटर वगैरह दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वही सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। और उसके एक्स्ट्रा अगर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको ब्रीथ मोड मिल जाता है, स्टॉप वॉच आप डायरेक्टली वॉच के अंदर ही सेट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अलार्म क्लॉक का भी फीचर मिल जाता है, फ्लैश लाइट, और टाइम पास के लिए दोस्तों अंडर 1200 की कैटेगरी में भी आपको फायरबोल्ट ने दिया गेम्स का फीचर, जिसमें आप इजीली टाइम पास कर सकते हो और टच में बिल्कुल भी लैग आपको नहीं दिखेगा। तो फाइनली अगर बात करें सेटिंग्स में क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आप मेन्यू व्यू को भी चेंज कर सकते हैं ग्रिड मेन्यू में, और उसके बाद आपको ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, थिएटर, रीसेट और पावर ऑफ की ऑप्शन दिख जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वॉच का यूआई काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बिल्कुल भी लैग आपको नहीं दिखेगा और सारे बेसिक फीचर्स आपको स्मार्ट वॉच में मिल जाते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं कैसी स्मार्ट वॉच की एक्यूरेसी एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। सबसे पहले अगर बात करें SPO2 मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम रीडिंग यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है अगर बजट स्मार्ट वॉच को कंसीडर करें तो। और अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम रीडिंग दिख रही है, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट बनाता है स्मार्ट वॉच को। फाइनली अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले, तो मैंने इसको पहन के अराउंड 100 स्टेप्स चले थे और इसने कैलकुलेट किया 109 स्टेप्स, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं वॉकिंग के समय। बात करें
इसके बैटरी बैकअप की, तो मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉच आराम से 4 से 5 दिन चल जाएगी। जस्ट बिकॉज इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं मिलती तो उस वजह से भी काफी बैटरी बचती है। तो मेरे हिसाब से अंडर 1200 रुपीज के प्राइस में 5 दिन का बैटरी बैकअप भी काफी डिसेंट है। फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की कैसी लगी मुझे फायरबोल्ट एपिक प्लस 1199 रुपीज के प्राइस में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच है। अगर इसके फीचर्स को कंसिडर करें, इतना बड़ा डिस्प्ले अंडर 2000 में मिलता था और आज की डेट में फायरबोल्ट आपको 1199 रुपए के प्राइस पे दे रहा है, तो मेरे हिसाब से यही सफिशिएंट है सबसे पहली बात तो। और साथ ही साथ इसमें आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल स्ट्रैप्स मिलते हैं, लाइट वेट स्मार्ट वॉच है, बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है और IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्मार्ट वॉच देख रहे थे अंडर 1200 रुपीज के प्राइस में तो आप इजिली इसके लिए जा सकते हैं। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंपैरिजन लाऊं मीवी मॉडल ई के साथ जो कि 1200 रुपीज के प्राइस पे मिलती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इस वीडियो पे जैसे ही 500 से ज्यादा लाइक टारगेट अचीव हो जाएगा मैं ये वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था इस वीडियो का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। थैंक यू दोस्तों।